प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनएक्सी भवन सभागार में अभ्युदय योजना के विद्यार्थियों के साथ संवाद एवं मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान सिंधु का शुभारंभ किया और कहा कि आज का युग तकनीक का युग है। हम सब तकनीकी युग में रह रहे हैं, इसका महत्व समझा जा सकता है। आज लाखों पुस्तकों का भंडार हम सब अपने स्मार्टफोन में रख सकते हैं और एक क्लिक कर उनको प्राप्त भी कर सकते हैं। तकनीक के इस महत्व को देखकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 वर्ष पूर्व डिजिटल भारत बनाने का लक्ष्य रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण में तकनीक का बहुत लाभ मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश तथा तकनीक के मदद से कोरोना को नियंत्रण करने में काफी मदद मिली। उन्होंने कहा कि पहले गांव में कोई भी सहायता पहुंचाने में काफी समय लगता था, लेकिन आज के इस तकनीक युग में सीधे मदद की जा रही है। कोरोना के समय 12 से 13 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन पैकेट कम्युनिटी किचन के माध्यम से वितरित कराया गया। कम्युनिटी किचन में सीसीटीवी कैमरे लगाकर सीधे निगरानी की जाती थी। प्रदेश में 87 लाख लोगों को पेंशन सहित ई पास मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण एवं अन्य योजनाओं का लाभ तकनीक के माध्यम से आमजन को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अभ्युदय योजना में सबसे ज्यादा पंजीकरण गोरखपुर में हुआ है। यह कोचिंग पूर्ण रूप से निशुल्क है, विद्यार्थी इसका लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभ्युदय कोचिंग में जनपद में विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारी अपने अनुभव से विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का कार्य कर रहे हैं। वे वर्चुअल एवं फिजिकल रूप से क्लास लेकर विद्यार्थियों को तैयारियों के लिए मदद कर रहे हैं, यह एक नया अनुभव है। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में अभ्युदय योजना के प्रतियोगी छात्रों के लिए टैबलेट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें वर्चुअल रूप से विद्यार्थी जुड़कर अभ्युदय योजना लाभ ले सके। इस अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि अभ्युदय योजना के अंतर्गत अभी तक 24 कक्षाएं आयोजित की गई हैं तथा ऑनलाइन 73,000 विद्यार्थी जुड़कर इसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं। गरीब विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है, जहां पर विद्यार्थी अपनी किताबें लाकर पढ़ सकते हैं तथा पुस्तकालय में पुस्तकों एवं अन्य आवश्यक समाचार पत्र मैगजीन की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर जनपद की छात्रा अपर्णा मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा कि आप एक योगी संत हैं और आपके सबल कंधों पर देश के सबसे बड़े राज्य की भी जिम्मेदारी है, दोनों में समन्वय कैसे बनाते हैं? जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक योगी का लक्ष्य लोक कल्याण होता है और मुख्यमंत्री के रूप में मेरा दायित्व लोक कल्याण के पथ पर चलते रहने का है। लोक कल्याण ही मेरा लक्ष्य है। मेरा धर्म राष्ट्र धर्म है। धर्म का अर्थ वह नहीं जो हम सामान्य भाषा में समझते हैं। पूजा पद्धति और उपासना विधि मेरी व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना का विषय है। मैं इसे किसी पर भी नहीं थोप सकता और ना ही कोई अन्य मुझ पर थोप सकता है, लेकिन राष्ट्र धर्म हर एक व्यक्ति के लिए है। मेरे लक्ष्य और धर्म को लेकर कोई दुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि अभ्युदय के विद्यार्थी भी सफलता प्राप्त करने के लिए दुविधा मुक्त लक्ष्य निर्धारित करें। गाजीपुर की शोभा सिंह के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि असफलता से कभी घबराना नहीं चाहिए, लक्ष्य निर्धारित कर सफलता प्राप्ति तक प्रयास करना चाहिए। दीक्षा पांडे ने मुख्यमंत्री से पूछा कि भारत को सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष का ही कार्य नहीं है। राष्ट्र के हर नागरिक को अपने कर्तव्य के माध्यम से इसमें योगदान होता है। आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, अपने कर्तव्यों के पालन से आप यह जिम्मेदारी उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का नेतृत्व राष्ट्र को नई दिशा दे सकता है। हम सभी ने देखा है कि पिछले 6 वर्षों में देश की तस्वीर बदली है। देश को यशस्वी नेतृत्व मिलता है तो विकास योजनाओं का भी मार्ग प्रशस्त होता है। लोक कल्याण के साथ वैश्विक मंच पर देश की पहचान स्थापित होती है। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारीगण एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कुलपति प्रोफेसर श्री जेपी पांडे साहब मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से सारा निवेदन करूंगा कि आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से क्या विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का आधिकारिक शुभारंभ कराए।
सर्वप्रथम मैं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत भरतपुर मंडल मुख्यालय भरतपुर पर आज इस बैठक में, जिसमें आपका आश्वासन इन छात्राओं छात्रों को प्राप्त होगा, उसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। गोरखपुर में इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में सिविल सर्विसेज, आर्म फोर्सेस एवं नीट प्रतियोगी परीक्षा, इन तीनों की क्लासेस हमने आरंभ किए हैं। लगभग वसंत पंचमी से आरंभ करते हुए 24 शिक्षण सत्र अभी तक हो चुके हैं और जिसके लगभग 60 वीडियोस हमने अपलोड भी किए। हमारे ऑनलाइन मैकेनिज्म से लगभग 75,000 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े प्रदेश का दायित्व आपके सबल कंधों पर है। इन दोनों में आप किस प्रकार समन्वय स्थापित करते हैं? आपने अपना नाम नहीं बताया। अपर्णा मिश्रा। बहुत सुंदर पढ़ा, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, भारत के अंदर हमारे अगर सनातन हिंदू धर्म की आप बात करें या भारत के अंदर जन्मे किसी भी व्यक्ति की बात करें, मैंने दोनों बातें इसलिए कही है कि आपने मुझे इस बारे में कहा कि मैं एक योगी हूं और साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी मुख्यमंत्री हूं, दोनों में समन्वय। देखिए, योगी का भी लक्ष्य होता है लोक कल्याण का और मुख्यमंत्री के रूप में भी मेरा दायित्व है कि मैं लोक कल्याण के पथ पर चल करके अपने राष्ट्र धर्म का निर्माण करो। जब द्वंद होता है, व्यक्ति के मन में दुविधा होती है, तो व्यक्ति के सामने फिर शंकु की तरह लटकने की स्थिति होती है। मेरे सामने कोई दुविधा नहीं है, मेरा लक्ष्य निर्धारित है, मेरा धर्म निर्धारित है। धर्म का मतलब वह नहीं जो एक सामान्य भाषा में हम लोग समझते हैं। मेरा धर्म मेरा राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म का मतलब जो मुझे मेरे कर्तव्यों के बारे में, मूल्यों और आदर्शों के बारे में मुझे सदैव सचेत करता है, वही मेरा राष्ट्र धर्म है। पूजा पद्धति, उपासना विधि, ये मेरी व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना का हिस्सा है। वह मैं कैसे करूं या किसी व्यक्ति को कैसे करना, ये उसकी स्वतंत्रता उसको है। मैं उसमें अपनी बात को थोप नहीं सकता या कोई मुझ पर अपनी बात को थोप नहीं सकता, लेकिन राष्ट्र धर्म हर एक व्यक्ति का निर्धारित है और वह सभी पर देश काल परिस्थिति को छुए बगैर सबके समान रूप से लागू होता है। जो भी व्यक्ति अपने उस राष्ट्र धर्म का पालन करे, मुझे लगता है उसके लिए किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, अगर वह अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा है, वह एक सामान्य योगी हो, सन्यासी हो, एक मजदूर हो या कोई प्रशासनिक अधिकारी या फिर किसी भी फील्ड में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, उसके लिए फिर ये सीमाएं नहीं रह जाती हैं कि समान है, क्योंकि जब लक्ष्य एक है और हमें उस पवित्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है, तो फिर हमारे सामने कोई भी दुविधा नहीं रहती। इसलिए जीवन में मैं यहाँ पर अभ्युदय से जुड़े हुए जितने भी हमारे युवा हैं, उन सबसे इस बारे में कहूँगा कि जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना है और जीवन में सफलता प्राप्त करनी, तो दुविधा मत रखना। दुविधा जब भी रखेंगे तो दुविधा में दोनों गए माया मिली राम,
वाली स्थिति हो जाती है। अभी मैं आप सबसे भी कहूँगा कि इसका फॉलो अप जरूर करिए। मंत्री जी को प्रणाम करते हैं, सर प्रणाम स्वीकार करें। सर मेरा नाम शोभा सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से हूँ। सबसे पहले तो सर धन्यवाद कि आप इस बड़ी योजना इस फॉलो को प्रारंभ किए, जिससे हम आम स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए अपने सपने को पूरा करने के लिए अवसर मिला है। तो सर हमारा ये क्वेश्चन है कि क्या हम तब तक इस योजना में लगे रहेंगे, संलग्न रहेंगे, जब तक कि हम पूर्ण रूप से यूपीएससी के लिए तैयारी न कर लें? जी सर। और सर हम गाजीपुर से हैं, लेकिन गोरखपुर से हमारा लगाव होने के कारण हमने गोरखपुर मंडल को सेलेक्ट किया फॉर प्रिपरेशन यूपीएससी। आपको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गोरखपुर के इस अभियान के साथ जोड़कर के पूरे प्रदेश के अंदर है और इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़ी हैं। देखिए व्यक्ति को धैर्य कोई लगा और निश्चित प्रयास करना चाहिए। मैं भी बताऊंगा अभ्युदय योजना के बारे में हम इसकी चर्चा करेंगे और हमने इसमें इसलिए दोनों सुविधाएं दी हैं कि व्यक्ति साक्षात क्लास अटेंड भी कर सकता है या फिर वर्चुअली भी जुड़ सकता है। अभी जैसे हमने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी का भी शुभारंभ किया है। कितना लाभ इससे होने जा रहा है, यानी दुनिया को, दुनिया के ज्ञान को, ज्ञान की अपार संभावनाएं हैं। दुनिया के ज्ञान को एक स्मार्टफोन में आप दे रहे हैं। आज की पीढ़ी के लिए तो ये सब कुछ बहुत सहज और सरल हो गया है। इसलिए आप यहां पर तैयारी के लिए आए हैं, प्रयास आप मेहनत करिए, प्रयास करिए, लक्ष्य निर्धारित करिए। जीवन में कहीं भी देखिए असफलता से व्यक्ति को कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर जीवन में आपने बेहतर प्रयास किया, कहीं असफलता लगती है, मान के चलिए कि कोई अच्छी सफलता, कोई अच्छी खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है जो भविष्य के लिए आपको सचेत कर रही है। और इसलिए इन चीजों से कभी भी पलायन का रास्ता नहीं अपनाना है। न दैन्यम न पलायनम, एक भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, न दीनता दिखानी है और न पलायन का रास्ता अपनाना है। हमें तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास करना है और उस अहर्निश प्रयास का नाम ही है अभ्युदय योजना। इस योजना को प्रदेश सरकार ने वसंत पंचमी के दिन प्रदेश के अंदर शुरू किया है और उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। आपकी इतनी बड़ी उपस्थिति, यहाँ गोरखपुर के युवाओं की इतनी बड़ी उपस्थिति, उसका एक बहुत यानी बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत करता है। लेकिन हमें इसके प्रति बहुत सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए और आप अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर निश्चित प्रयास करें, सफलता उससे प्राप्त होगी। प्रश्न है कि भारत को विश्व स्तर पर सशक्तम राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी को क्या प्रयास करना होगा? दीक्षा जी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति राष्ट्र निर्माण का काम केवल राष्ट्राध्यक्ष ही नहीं करता है। राष्ट्र निर्माण या कोई भी कार्य, कहीं देखिए आपका जैसे आपका घर है, आपके पिताजी सर्विस करते होंगे, जी सर, वह वेतन आपके परिवार को मिलता है तो उससे आपका परिवार चलता है। लेकिन अगर परिवार में आपकी माताजी भोजन ही नहीं बनाएगी, क्या वेतन से ही सब काम हो जाएगा? परिवार के अन्य सदस्य भी होंगे, वो घर के कार्य में किसी न किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन करते हैं, तब घर की व्यवस्था संचालित होती है। ऐसे ही देश की व्यवस्था भी है, वह व्यवस्था लीडरशिप हमें
एक नई दिशा दे सकता है, एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन लीडरशिप के साथ साथ देश के हर एक फील्ड के कार्य करने वाले लोगों का ध्यान तो रखना, वह किसी भी फील्ड का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वह कर्मचारी हो, वह राजनेता हो, वह मंत्री हो, वह एक सामान्य नागरिक हो, हर व्यक्ति का दायित्व है कि जो उसके लिए निर्धारित उसके कर्तव्य है। देखिए हमारा संविधान हमें हमारे मौलिक अधिकारों के साथ साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी हमेशा आगाह करते हैं। अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने लग जाए तो देश दुनिया की एक नई ताकत बनेगा। महाभारत में यही बात कही गई है, राजा कालस्य कारणम्, यानी राजा काल का कारण होता है, काल राजा का कारण नहीं हो सकता। राजा हम सब चुनते हैं, आज के समय में देश का प्रधानमंत्री हम सब चुनते हैं। 6 वर्षों के अंदर भारत की तस्वीर बदली है, वैश्विक मानचित्र पर भारत का सम्मान बढ़ा है। क्योंकि जब एक यशस्वी नेतृत्व देश को मिलता है तो यशस्वी नेतृत्व उसी प्रकार के फैसले लेकर के देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करता है, उसके परिणाम भी सामने आते हैं। उससे लोक कल्याण का भी हित होता है, विकास की योजनाएं भी बढ़ती है, वैश्विक मंच पर नागरिकों का सम्मान भी होता है। आज जितने भी हम प्रवासी भारतीयों से बात करते हैं या भारतवंशी परिवार जो किसी कालखंड में भारत से दुनिया के किसी देश में बस गए हैं, जब उनसे बातचीत करते हैं तो बहुत पॉजिटिव उनका रिस्पॉन्स होता है, बहुत सकारात्मक उनका रवैया होता है और उनको गौरव की अनुभूति होती है कि देखिए हम सब भारत के अंदर भारत की व्यवस्था पर गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। क्योंकि हम अब दुनिया में जाते हैं तो दुनिया में हमें सम्मान मिलता, कहां से आए हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भारत से आए हैं, तो लोग हमें सम्मान की निगाहों से देखते हैं और फिर लोगों के मुंह से निकलता है अच्छा पीएम मोदी के देश से। ये सब दुनिया के अंदर अगर लोगों के मुंह से भारत के नागरिकों के प्रति निकल रहा है आज के दिन, इसलिए क्योंकि उस प्रकार का नेतृत्व है। लेकिन नेतृत्व देश की जनता ने दिया है, इसलिए देश की जनता का दायित्व भी बनता है कि हम अपने नेतृत्व की मंशा के अनुरूप अपने अपने क्षेत्र में जहां भी हम कार्य कर रहे हैं, एक विद्यार्थी उसका दायित्व क्या है, वह मनोयोग से अपने पठन पाठन के साथ जुड़े। एक शिक्षक उसका दायित्व बनता है कि वह मनोयोग से अपने अध्यापन के साथ जुड़े। एक कर्मचारी समय से अपने ड्यूटी का निर्वहन करे। एक वैज्ञानिक समय से अपने शोध को आगे बढ़ाएं। एक राजनेता समय से अपने सेवाओं के कार्यों को आगे बढ़ाएं। हर एक फील्ड का व्यक्ति अगर अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने लग जाएगा तो दुनिया की ताकत बनने में भारत को कोई देर नहीं लगेगी। और एक अच्छी दिशा में भारत ने जो प्रयास प्रारंभ किया है विगत 6 वर्षों में उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं, आगे भी उसके बहुत अच्छे परिणाम आने जाएंगे। कार्यक्रमों से इतना समय निकला इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इन युवाओं को उनके स्वर्ण भविष्य के लिए। आज के सर अभ्युदय कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं या औद्योगिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जितने भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवा हैं, इनके इस कार्यक्रम के साथ ही मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान सुधा ज्ञान सिंधु का आज यहाँ पर हम लोगों ने उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है और अभ्युदय से जुड़े हुए कुछ प्रतियोगी छात्रों के साथ मैंने संवाद यहाँ पर बनाया है। मैं सबसे पहले मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को ज्ञान सिंधु डिजिटल लाइब्रेरी के शुभारंभ के लिए बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।
हम सब डिजिटल युग में रह रहे हैं और डिजिटल युग में हमें इसके महत्व को समझना होगा। मैंने जो आपको पहले भी बताया कि आज की पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है, अब उसको पुस्तकों के ढेर से परेशान नहीं होने की आवश्यकता है, बल्कि दुनिया की लाखों पुस्तकों को वह अपने स्मार्टफोन में कैद करके रख सकता है और जो जानकारी लेना हो एक टिक किया वो अपने आप वहां तक आपके पास वो जानकारी पहुंच गई। डिजिटल क्रांति के इस महत्व को ही जानते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की बात कही थी आज से 6 वर्ष पहले, और आज हम लोगों ने कोरोना कालखंड के अंदर उसके बहुत अच्छे परिणाम भी देखे। आप देख रहे होंगे कि 1 वर्ष से देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, संकट था, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बहुत तीव्र था। कोई भी व्यक्ति अगर एक संक्रमित व्यक्ति की चपेट में आ गया तो मान के चलिए कि फिर वह जितने लोगों के चपेट में, जितने लोग उसकी चपेट में आएंगे सभी संक्रमित होते दिखेंगे। चेन लगातार बढ़ती थी, बहुत तीव्रता के साथ बढ़ती थी, लेकिन आज कोरोना को हम लोगों ने नियंत्रण किया, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन था, साथ साथ उनके बाद दिए गए दिशा निर्देश का भी बहुत बड़ा योगदान है जो हमने तकनीक का उपयोग करके अपनी राह को आसान किया। अन्यथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 24 करोड़ की आबादी में कोरोना को नियंत्रित करना ये तो असंभव जैसा लग रहा था। हम लोगों को कितनी सहजता हुई, पहले हम लोग सहायता बांटने के लिए जाते थे, मुझे याद है 1998-99 में गोरखपुर में बाढ़ आई थी, हम लोगों को बाढ़ कार्यों के लिए उस समय राहत सामग्री राहत के लिए धनराशि वितरित करने के लिए गांव-गांव में हम लोग जाते थे, चेक वितरित करते थे। अब एक तहसील में सीमित कर्मचारी है, क्या एक साथ सब जगह जा पाएगा कोई व्यक्ति? नहीं हो सकता। एक साथ एक तहसील में अगर 100 ग्राम पंचायत है तो कम से कम एक SDM तहसीलदार या उनके साथ अगर हमको टीम लगा दे तो उस टीम को एक दिन में एक या दो गांव में ही कर पाते ना, तो कम से कम 50 दिन लगते हैं। और आज फिर वह जाएगा, व्यक्ति भी जाएगा जिसको चेक आपने दिया, वो जाता बैंक में जाता था, बैंक में जाने पे खाता नहीं खुला होता था तो फिर उसमें समस्याएं आती थी, फिर उसमें लेन देन शुरू होता था, भ्रष्टाचार बढ़ता था, बहुत सारी चीजें होती थी। आज तो कुछ नहीं, आज तो पहले से डाटा फीड है, प्रशासन ने भी यहां से बता दिया कि कितने लोग इस आपदा से प्रभावित हैं, एक क्लिक किया और पैसा उनके अकाउंट में चला गया। ना किसी अधिकारी को कहीं जाना है, ना हमें कहीं जाना है, एक जगह बैठ करके उन सभी को हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं किन किन चीजों को। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था बनाई है, जरूरतमंदों को भोजन मिल सके और भोजन की व्यवस्था जहां भोजनालय थे वहां CCTV कैमरे लगा दिए थे और उसको हमने जोड़ दिया था लखनऊ में राहत आयुक्त कार्यालय के साथ। आप अनुमान करेंगे एक दिन में हमको 12-12, 15-15 लाख भोजन पैकेट बनवाते थे अलग अलग जगह, और सारी जानकारी हमारे पास आती थी, एक एक पैकेट कैमरे में कैद होती थी और सारी जानकारी आती थी। अगर ये तकनीक नहीं होती तो क्या हम एक जगह बैठ करके मॉनिटर कर पाते और लोगों को भोजन दे पाते? तकनीक का बड़ा महत्व है और उसी का कारण है कि जनधन अकाउंट धारी 3,56,00,000 परिवारों को प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड के अंदर अतिरिक्त धनराशि दिया गया, 2,40,00,000 किसानों के खातों में पैसा गया, 87,00,000 वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन के लाभार्थियों को धनराशि उपलब्ध कराने में मदद मिली, एक साल दे दिया गया। खाद्यान्न योजना का लाभ
ई पॉस मशीन के माध्यम से कोई भी जाएगा अपना अंगूठा का अंगूठा लगा करके अपना खाद्यान्न ले सकता है। ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई। तकनीक, इस तकनीक के महत्व को समझना होगा। मुझे तो आश्चर्य होता है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जमनाट हमारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी के साथ अब तक अपने आप को क्यों नहीं जोड़ा? ये काम बहुत पहले होना चाहिए, बहुत पहले होना चाहिए, लेकिन देर ही सही। आज मैं वहां के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे जी को और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के जितने भी वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने वहाँ के छात्र छात्राएं हैं, सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि स्मार्टफोन में आपको सब जानकारी मिल जाएगी और लाइब्रेरी की स्ट्रेंथनिंग करने में सब कुछ आप अपनी स्वयं की डिजिटल लाइब्रेरी बना सकते हैं, स्वयं के लिए एक नया वो दे सकते हैं आप। एक ज्ञान सिंधु के लिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभी जितने भी वहां के प्राध्यापकगण हैं, जितने भी वहां के छात्र छात्राएं, सबके प्रति मेरी बधाई और शुभकामनाएं। दूसरा अभ्युदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि गोरखपुर कमिश्नरी में प्रदेश के अंदर सबसे अच्छे परिणाम अभ्युदय के अभी तक गोरखपुर कमिश्नरी से गए हैं और सबसे ज्यादा छात्रों ने यहाँ पर आवेदन किया। उसमें बहुत सारे लोग बहुत अच्छे लोग हैं, उनके पास अपनी तकनीक है, उनके पास अपनी कार्य पद्धति है, लेकिन हमने उससे अलग हट करके एक नया प्रयोग प्रारंभ किया। इस बात को लेकर के तो मैंने पहले भी कहा, एक वह सैद्धांतिक ज्ञान व्यक्ति को एक नई दिशा देता है और व्यावहारिक ज्ञान व्यक्ति को जीवन में सफलता प्रदान करता है। दोनों में अंतर है। दिशा देने पर व्यक्ति प्रयास करेगा तो सफलता की मंजिल तक पहुंचने में उसे कुछ हद तक सफलता मिल सकती है, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान को उसने अपने जीवन का हिस्सा बना दिया तो उसको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। और यही प्रयास हम लोगों ने इसके माध्यम से प्रारंभ किया है कि हमारे अधिकारी जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने के बाद आज विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, कोई मंडलायुक्त है, कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, कोई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, कोई जिलाधिकारी है, कोई स्पेशल सेक्रेटरी है, कोई डीजी है, कोई एडीजी है, कोई आईजी है, कोई एसएसपी है, कोई कंजर्वेटर है, कोई डीएफओ है, या अलग अलग उसमें काम करने वाले लोग हैं। एक और टीम है जिस टीम ने सफलतापूर्वक उस मंजिल तक पहुंच करके और वे फिर वहां से एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच करके इस समय अपने अनुभव का लाभ और अपनी दक्षता का लाभ जनता को दे रहे हैं। वे एक तो इसके बारे में इस क्लास को दे रहे हैं, इसमें फिजिकल और वर्चुअल दोनों क्लासेस जो चल रही उसमें रूप लगे हैं, और दूसरा अच्छी फैकल्टी जिनके मार्गदर्शन में लोगों ने सफलता के राह जो दिशा देने का काम पहले से कर रहे थे वो सब ने ग्रुप की इसके साथ जुड़े, दोनों प्रकार के लोगों को हमने इसके साथ जोड़ा है। एक तो यह एक नया अनुभव है और इसलिए अभ्युदय नाम हमने दिया। देखिए अभ्युदय जब हम लोग जाते हैं हर के दर्शन कर हम पढ़ेंगे तो वहां दो शब्द आते हैं, वैसे सिर्फ दर्शन जो हमारे छह आस्तिक दर्शन है उसमें से एक वैसे सिर्फ दर्शन है। उस दर्शन में धर्म की जो परिभाषा कही गई है उसमें यही कहा गया कि तो यतो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि शब्द, अभ्युदय और निश्रेष दो शब्द है। अभ्युदय इस लोक के लिए और निश्रेष
लगभग रोग के अभ्युदय, यानी इस रोग में जो हमारे सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग, जीवन में सफलता का मार्ग प्रदान करने का नाम ही अभ्युदय है। और इसलिए हमने नाम ही उसका नाम अभ्युदय रखा। सांसारिक उत्कर्ष में हमें सफलता की हर मंजिल तक पहुंचाने में सहायक हो सकता है बस प्रदेश सरकार की योजना का नाम ही अभ्युदय है। एक हम लोगों ने इसको इसके साथ जोड़ा। इसमें हमारे जो अधिकारी हैं या फैकल्टी है ये सब योजक का काम करते हैं। देखिए हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ योग्यता है, अलग अलग फील्ड का विशेषज्ञ है। जो मैंने पहले भी कहा ना कि मैं बोलूं कि मैं ही सब कुछ जानकारी रखता हूं, ये मेरी मूर्खता हूं। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण जरूर है। ईश्वर ने किसी को भी ऐसा नहीं बनाया है कि वह व्यक्ति ये मान के चले कि साथ मुझे मेरे साथ कोई अन्याय हुआ है। अगर एक क्षेत्र में नहीं दूसरे क्षेत्र में हुआ, लेकिन शासकीय सेवा में या जीवन के किसी क्षेत्र में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक योजक के रूप में हमारे अधिकारीगण या अच्छी फैकल्टी प्राध्यापकगण और अच्छी फैकल्टी उनका मार्गदर्शन कर सके, यह भूमिका तो योजक के रूप में होगी। और उस मार्ग का अनुसरण करके सफलता प्राप्त करना ये आपका कार्य होगा। और इसमें आपको दोनों सुविधाएं हम दे रहे हैं। एक जो कि पहले चरण में सीमित संख्या है, तो सीमित संख्या होने के नाते कम संख्या में ही हमने छात्रों को प्रतियोगी छात्रों को कोविड-19 के भी चैलेंज को देखते हुए और अन्य कारणों से भी पहले चरण में कुछ कम लोगों को लिया गया है जो साक्षात क्लास अटेंड कर सके। लेकिन साथ साथ ये भी व्यवस्था दी गई कि शेष अन्य लोग वर्चुअली जुड़ सकते हैं, उसके लिए उन्हें लिंक उपलब्ध कराया गया कि वे लोग इसके साथ जुड़ करके क्लास में क्या हो रहा है, क्या जानकारी दी जा रही है, कैसे वह उस फील्ड में आगे बढ़ सकता है, ये चीजें उसके साथ जोड़ी जा रही है। और इसमें जो भी अनुभव आएंगे उसके अनुरूप हम लोग फिर इसमें बहुत जल्दी चेंज करने जा रहे हैं, उसमें उसी के अनुसार हम लोग उसमें परिवर्तन भी करेंगे। एक चीज जो आपको देखना होगा कि हमने इस बार बजट में एक और व्यवस्था की है। हमारे बहुत सारे प्रतियोगी छात्र ऐसे हैं जो अपने पारिवारिक कारणों से पारिवारिक आर्थिक स्थितियों के कारण वर्चुअली क्लास अटेंड करने की इच्छा रखते हुए भी वह व्यक्ति हो सकता है उसके पास स्मार्टफोन ना हो, या स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में कितना वह निकाल पाएगा, कितना वह डाउनलोड कर पाएगा, ये सारी चीजें भी निर्भर करती हैं। हम लोगों ने व्यवस्था दी, हम उनके लिए पात्रता की श्रेणी हम लोगों ने तय की, उसके अनुसार उन्हें टैबलेट भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं कि अभ्युदय के साथ जुड़ने वाले और फिजिकली के साथ अगर वह वर्चुअली कहीं भी जुड़ना चाहता है, प्रदेश के किसी भी सेंटर के साथ जुड़ना चाहता है, उसको लगता है कि इस विषय की जानकारी फलानी क्लास में अच्छी दी जा रही है, फलाना अधिकारी फलाना फैकल्टी अच्छा जानकारी इसके बारे में दे रहा है, अच्छी उसकी उसकी व्यवस्था है, तो वह वर्चुअली भी उसके साथ जुड़ सके, यह सुविधा हम उनको उपलब्ध कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है, आप सभी उत्साह के साथ इसके साथ जुड़े हुए हैं। एक नया माहौल बनना चाहिए, एक सकारात्मक दिशा में इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अधिकारियों को और इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए जीवन में कभी हिम्मत मत होइए, धैर्य के साथ सफलता मिलेगी, लेकिन जिस कार्य के लिए आप लगे पूरी तन्मयता के साथ उस फील्ड में, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए। देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल होने के पीछे कारण क्या होता है, जहां हम लोग छोटी छोटी चीजों पर नजरअंदाज करते हैं, वही अक्सर हमें भ्रम में डाल देता है परीक्षा के समय। ऐसी स्थिति ना आने पाए ये हम लोग अभी से ध्यान देते हैं और छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देकर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी।
मुझे प्रसन्नता है कि आप सबने अभ्युदय योजना के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम या इस अभियान को न केवल सफल बना रहे हैं बल्कि हमारे छात्र छात्राओं को अपने पहले चरण में कमिश्नरी स्तर पर हम इसको दे रहे हैं। इसके परिणामों की हम समीक्षा करेंगे और उसके बाद हमारा प्रयास होगा कि अगर इसके परिणाम अच्छे रहे तो हम इसको हर जनपद स्तर पर भी उतारने की और जनपद स्तर पर भी कार्यक्रम को चलाने की तैयारी के लिए पूरी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से अभ्युदय योजना के जुड़े हुए जितने भी हमारे प्रतियोगी छात्र हैं उन सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आपका मंगल मैं जीवन हो और आपका पथ और सुगम बनकर के आप अपने क्षेत्र में पारंगत हों, सफलता प्राप्त करें, यही मेरी आप सबकी प्रति कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।